बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नशे के आदि हो चुके बेटे ने अपनी मां पर चाकू से बेरहमी के साथ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मां फिलहाल अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रही है। घटना सुबह 5 बजे शहर के छोटा बाजार स्थित भगत सिंह प्रतिमा के पास हुई। घायल महिला का नाम माधुरी निनावे उम्र 60 वर्ष और आरोपी बेटे का नाम मुन्ना मनोहर निनावे उम्र 30 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जाँच भंडारा के थानेदार सुभाष बासे कर रहे हैं। मामूली विवाद में युवक की पिटाई करने का मामला लाखांदू तहसील के ग्राम जैतपुर में सामने आया है। इसे लेकर पुलिस ने विरली ग्राम निवासी रजत लेवर्धन बगमारे उम्र 21 वर्ष की शिकायत पर कुल 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। घायल युवक का नाम विरली ग्राम निवासी समीर साजन बोकड़े उम्र 21 वर्ष बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने रजत बगमारे की शिकायत पर लोकेश नामदेव व के कार सुदाम विनायक कोरे तथा नितेश हरिदास मिश्राम के खिलाफ धारा 324, 504, 506, 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। रेत चोरी करने के मामले में साकोली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी यह ट्रैक्टर के माध्यम से रेत की चोरी कर रहे थे। यह घटना साकोली पुलिस थाने के तहत आने वाले लवारी नदी घाट की है। पुलिस ने बिना लाइसेंस के रेत चुरा रहे चारों आरोपियों पर धारा 379, 109, 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। खेत में लगा कृषि पंप अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। घटना जवाहरनगर पुलिस थाने के तहत शाहपुर के खेत परिसर में घटित हुई। इसे लेकर जवाहरनगर पुलिस ने शाहपुर के गांधीवाड़ निवासी अरुण वामन तिरपुड़े की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 379 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। वैनगंगा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता पाया गया, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। अज्ञात शव का 31 मई को सुबह 10:30 बजे वैनगंगा के बड़े पुल के पास बकरिया चरा रही महिला को दिखाई दिया। उसने डायल 112 पर फोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस दल मौके पर पहुंचा और मामला दर्ज किया गया है। चिलम से मादक पदार्थ का सेवन करते पाए गए 2 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना भंडारा थाना क्षेत्र की है। आरोपियों में भंडारा निवासी आर्यन बागड़े उम्र 20 वर्ष और बेला निवासी सोहिल गजबीये उम्र 19 वर्ष शामिल है। वे 30 मई की रात करीब 8 बजे कोरम्बी पहाड़ी के पास कच्चे रास्ते के किनारे चिलम पीते पाए गए थे। सालेकसर थाना अंतर्गत कुलरभट्टी निवासी फरियादी अमोल नारायण उइके उम्र 19 वर्ष के घर की तलाशी 2 आरोपियों ने फर्जी पुलिस बनकर ली। उक्त दोनों आरोपियों ने पुलिस जैसे ड्रेस, सिविल शर्ट एवं कमांडो के जैसे ड्रेस पहनकर फरियादी के घर में प्रवेश कर अवैध शराब होने के संदर्भ में तलाशी ली। यह घटना 1 जून को घटित हुई। सालेकसर पुलिस ने भादवी की धारा 441, 170, 171 के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।